Hey everyone welcome back to my channel explore with aditi vyas in today's video i'm going to discuss the concept of alternative education and we are going to critically analyze the philosophical and sociological perspective or practices of alternative education but before we start it uh, if you are new to my channel please subscribe to it so you will get the further updates uh, regarding the फर्दर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स राइट सो वे स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट सो द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन इज़ कि अल्टरनेटिव एजुकेशन का सिंपल एक गोल है एंड दैट इज कि हर किसी को सॉरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ठीक है हर किसी को यानि कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स में सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं रिजल्ट दे पा रहे हैं ठीक है थीके? उन स्टूडेंट्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना ठीक है एंड अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं uh, हर रेंज में मतलब हम बोलें कि एक बहुत वाइड सी रेंज है जिससे कि लर्नर्स को इसके बेनिफिट मिलते हैं ठीक है थीके? और ये उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है जो कि लर्न जिनमें कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं हमने लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो प्ले में आप उसे चेक कर सकते हैं और राइट सो जो स्टूडेंट लर्निंग जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है या कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं राइट तो यह आ गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नाउ कम तो टू इट्स मीनिंग इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग सो अल्टरनेटिव एजुकेशन क्या है एक ऐसे ही एजुकेशन अपॉर्चुनिटी जो कि ट्रेडिशनल स्कूल सेटिंग्स में ना हो ठीक है मतलब जो प्रोग्राम है उसको मैंटेन और ऑपरेट करेंगे लोकल या रीजनल वार्ड ऑफ एजुकेशन ठीक है और वो जो है स्टूडेंट्स को सक्सीड होने में हेल्पफुल है और राइट देन कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन ठीक है तो अल्टरनेटिव एजुकेशन ऐसी लाइक uh, like, सभी एजुकेशन को रेफर होता है या सभी अप्रोचेस या प्रैक्टिस को जो कि बच्चों को नॉलेज uh, प्रोवाइड करवाती है या हेल्प करती है सक्सीड करने में डाइवर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम एजुकेशन और राइट तो इसका क्या फोकस रहता है कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए लर्निंग एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल पाए ठीक है और जो भी प्रॉब्लम बच्चे को आ रही थी उनसे वो ओवरकम कर पाए ठीक है ये जो है वो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को देता है जो हमारा अल्टरनेटिव एजुकेशन है जिससे बच्चा जो है ख़ुद को डिफरेंट uh, वेज़ में रिकॉग्नाइज़ कर सकता है अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है देन कम टू द फलॉसिफिकल परस्पेक्टिव ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन सो द फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रेसिज़म ठीक है प्रोग्रेसिविज्म में क्या होगा कि फोकस करता है बच्चे की प्रोग्रेस पे ठीक है यानी कि कितना बच्चा जो है वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है हैंड ऑन लर्निंग कर रहा है ठीक है अपनी जो सीखी हुई चीजें हैं उन्हें रियल लाइफ के साथ कनेक्ट <coughs> कर पा रहा है ठीक है प्रोग्रेसिज्म क्या करता है स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट करता है ठीक है और उनका जो है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करता है देन ह्यूमनिज्म ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो है वो बेसिकली किस पे फोकस करती है बच्चे की ग्रोथ पे ठीक है और किसी भी बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ एक्सप्रेशन ठीक है ये सब कुछ चीज़ें कौन सिखाता है हमारा ह्यूमनिस्टिक आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टिविज़्म ठीक है तो जो कंस्ट्रक्टिविज़म पर्सपेक्टिव है हमारा अल्टरनेटिव एजुकेशन का वो बेसिकली बच्चे को एक्टिव बनाता है ठीक है और कंस्ट्रक्टिव बनाता है प्रोसेस में और इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि जो प्रायर नॉलेज है बच्चे का एक्सपीरियंस है ठीक है उन्हें एंगेज करवाना एक्टिव जो वो लर्न कर रहा है मतलब इस टाइम जो वो लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग कर रहा है प्रायर जो उसने सीखा है उन दोनों को आपस में जोड़ के रखना ठीक है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे या कोलेबोरेशन पे सबको मिला के जोड़ के रखना ज़्यादा वर्क करता है यहाँ पे देन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन तो इसमें आपका आ जाएगा डेमोक्रेटिक एजुकेशन ठीक है कि अल्टरनेटिव एजुकेशन जो है वो एम्स करती है टू एम्पार द स्टूडेंट एंड प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक है कि बच्चे को एक डेमोक्रेटिक एजुकेशन मिलती है देन सोशल कि ये जो है वो सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव पे वर्क करता है ठीक है देखता है कि बच्चे पे बच्चे के साथ क्या इनक्वालिटीज़ हैं और किस तरह से वो प्रमोट कर सकता है इक्विटी को या फिर क्वालिटेटिव एजुकेशन को या उन्हें किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं जिससे कि वो बच्चा भी दूसरों के बराबर सीख जाए ट्रेडिशनल क्लासरूम के बियॉन्डी कम्युनिटी अगेंस्ट एंगेजमेंट ठीक है कि किस तरह से कम्युनिटी के साथ उसकी पार्टनरशिप करवानी है या उसे एंगेज करवाना है ठीक है ये ज्यादातर रिकॉग्नाइज करता है कि किस तरह से लर्निंग को जो बच्चा लर्न कर रहा है उसको कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करना है ठीक है कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा

वो अपने तरीके से देख सकते हैं कि उन्हें कैसा लर्निंग स्टाइल रखना है क्या उनकी नीड्स हैं क्या उनके इंटरेस्ट हैं तो इस तरह से क्या करता है अल्टरनेटिव एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है और सेल्फ मोटिवेशन बच्चे में देता है और उससे क्या होता है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बन बनता है जिससे बच्चे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है ठीक है देन चैलेंजेस अल्टरनेटिव एजुकेशन जो है ना उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है ठीक है और तो इसलिए जो बच्चे के अकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उन्हें हम लाइक जल्दी से पता कर पाएं ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है ठीक है और जो हमारी अल्टरनेटिव एजुकेशन है वो इंश्योर करती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट के अकॉर्डिंगली उसे अचीवमेंट नहीं मिलती है बल्कि उन्हें इक्वलिटी में मिलती है ठीक है देन इक्विटी कंसिडरेशन ठीक है अल्टरनेटिव एजुकेशन जो है वो चैलेंज को तो देखती है साथ ही साथ रिप्रोड्यूस सोशल इनक्वालिटीज़ ठीक है कि सोशल इनक्वालिटीज़ भी बच्चे में हो जाती हैं जो उसे चीज़ें मिलनी चाहिए वो केवल नहीं भी मिल पाती हैं या शायद वो ज़्यादा केयर नीडिड हो और उतनी ना मिल पाए ठीक है एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेशन विद मेन स्ट्रीम एजुकेशन ठीक है अलग अलग लोगों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट है इस चीज़ को लेके ठीक है कुछ लोग मानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन टू क्रिएट अ मोर स्टूडेंट सेंटर सिस्टम ठीक है सो एट द एंड कंक्लूजन इज़ कि अल्टरनेटिव एजुकेशन जो है वो बच्चे की डाइवर्स नीड और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करती है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्टरनेटिव एजुकेशन आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड